यूपी के मुरादाबाद में एक गांव है ठाकुर द्वारा, वहाँ पर एक दंगल का आयोजन होता है और दंगल के दाव पेच में एक पहलवान की जान चली जाती है। यूँ तो आप कह सकते हैं कि ये कहानी इतनी सी है, लेकिन नहीं, ये कहानी इतनी सी नहीं है। ये मौत का दाव क्यों खेला गया और जब हादसा हुआ तो हॉस्पिटल में पहलवान को क्यों नहीं लेके जाया गया? दंगल की अनुमति प्रशासन से ली गई थी क्या? ये तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं तलाशे गए। दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। अमूमन जब कभी भी कोई आयोजन होता है तो उसकी अनुमति प्रशासन से ली जाती है, चाहे वो छोटा सा जुलूस हो या रामलीला हो या फिर कोई धरना प्रदर्शन हो, लेकिन अनुमति ज़रूर ली जाती है। लेकिन मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में ये दंगल 2 सितंबर को होता है, नौमी के मेले में बिना अनुमति के ये अखाड़ा लगाया जाता है। इसमें उत्तराखंड के, काशीपुर के तमाम दूर दूर से पहलवान आते हैं और काशीपुर का पहलवान महेश भी इस दंगल में शामिल होने के लिए आता है। इसी दौरान फरीदनगर के पहलवान से महेश की कुश्ती होती है। कुश्ती के दौरान फरीदनगर के पहलवान ने महेश को उठा के पटक दिया और वो गर्दन के बल नीचे गिरता है। इससे महेश के गर्दन में चोट लगती है और उसकी हड्डी टूट जाती है, वहीं पे वो ज़मीन पे गिर जाता है। उधर कुश्ती देख रहे लोग विरोधी पहलवान की जीत के लिए तालियां बजा रहे थे, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि वो तालियां जीत के लिए बजा रहे हैं या कि किसी के दम तोड़ने पे ये तालियां बज रही हैं, क्योंकि थोड़ी देर तड़पने के बाद महेश ने अखाड़े में ही दम तोड़ दिया। इसके बाद आयोजकों ने जब महेश को उठाया तो उसकी गर्दन लटकी हुई थी। ये देख कर के सभी के होश उड़ गए, सभी के हाथ पैर फूल गए, लेकिन कोई उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं लेके गया। पहलवान की मौत के बाद समझौते की कोशिश होती है, पुलिस को किसी ने इत्तला नहीं की, इसकी ज़रूरत नहीं समझी गई और पहलवान की दर्दनाक मौत का वीडियो वायरल हो जाता है और तब जाकर के इस घटना की सच्चाई का पता चलता है। और वहाँ के SP दहाद जो हैं सागर मिश्र, वो कहते हैं कि पुलिस को किसी ने इसकी इत्तला नहीं दी, इंटरनेट पे वायरल जो वीडियो हुआ है वो उन्होंने देखा नहीं है, लिहाजा जब शिकायत कराई जाएगी तो पूरे मामले की वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। दरअसल मैं आपको बताऊं दोस्तों, दो पहलवानों के बीच जो रजमाइश का दौर चल रहा था कि अचानक एक पहलवान सामने वाले विरोधी के दाव पेच में ऐसा फंस जाता है कि उसकी गर्दन टूट जाती है। इतना ही नहीं, मदद करने के बजाय उसके विरोधी पहलवान ने उसकी गर्दन को 2-3 बार हिला करके देखा और जब उसको ये विश्वास हो गया कि उसकी गर्दन टूट चुकी है तो वो पीछे हट गया। लोग तालियां बजाते रहे। इसी बीच आयोजक और रेफरी को थोड़ा डाउट हुआ, शक हुआ, तो वो मौके पे पहुंचते हैं। वो लोग भी उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाने की कोशिश करते हैं, मालिश करके गर्दन को जोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन घायल पहलवान की जान नहीं बचाई जा सकी। गांव में पंचायत होती है और उसमें इस जान की कीमत 60,000 लगाई जाती है और इस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। यही वजह है कि कई दिनों तक पूरा मामला राज बना रहा, जबकि ये जो अखाड़ा है ये 3 तारीख में सस्ता है, लेकिन जब इस घटना का वीडियो वायरल होता है और दुनिया ने अखाड़े में एक पहलवान की मौत को देखा, तब जा कर के पुलिस भी जागती है और वो इसमें इंटरवीन करती है। तो दोस्तों, देखा आपने कि इस पूरे मामले में शुरू से ही लापरवाही बरती गई, ना तो इस अखाड़े को सजाने के लिए प्रशासन से अनुमति ली गई और ना ही फिर जब ये हादसा होता है तो इसकी इत्तला प्रशासन को दी जाती है, ना ही पुलिस को दी जाती है। हद तो तब हो जाती है जब रेफरी को भी ये पता है कि ये मामला सीरियस हो गया है, आयोजकों को भी पता है कि ये मामला सीरियस हो गया, फिर भी उन्होंने उस पहलवान को हॉस्पिटल लेके जाने की सहमत नहीं उठाई। आपको नहीं लगता कि लोगों को
वहाँ जो लोग देख रहे थे, जो तालियां बजा रहे थे, उन लोगों को पुलिस को इत्तला करनी चाहिए थी। क्या कहते हैं आप? आपकी टिप्पणी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस मामले में, क्योंकि इसमें सबसे खास बात यह है कि एक पहलवान की अखाड़े में जान गई है, वो भी लापरवाही के कारण। फिर मिलती हूँ मैं आपसे किसी और कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए और परिवार का भी ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।